अपवर्क का प्रोफेशनल अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, अकाउंट क्रिएट करने के बाद किस तरह से आप अपने अपवर्क के अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप अपने अपवर्क अकाउंट पे करते हैं जिसकी वजह से आपका अपवर्क अकाउंट अप्रूव होने से रह जाता है। अकाउंट क्रिएट करने से लेकर प्रोफाइल कंप्लीट करने तक आपको सारा तरीका इसी वीडियो में बताया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने मोबाइल फ़ोन पे या लैपटॉप पे किस तरह से अपवर्क का प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट के क्रिएट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने अपवर्क अकाउंट की वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद मैं आपको अपवर्क की प्रोफाइल भी कंप्लीट करने का तरीका सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिस टाइम भी अपवर्क अकाउंट क्रिएट करते हैं उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम दरपेश आती हैं। तो आज आपको ए टू जी कंप्लीट मेथड इसी वीडियो में सिखाया जाएगा। तो चलिए चलते हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर सीखते हैं किस तरह से अपवर्क एक प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करते हैं। जी तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोफेशनल अपवर्क अकाउंट क्रिएट करने का तरीका सिखाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपली मैंने ब्राउजर में गूगल को ओपन किया हुआ है। गूगल में आपने टाइप करना है अपवर्क, इसके बाद आपने इंटर पे प्रेस करना है। जैसा कि ये देख सकते हैं, मैंने इंटर पे प्रेस किया तो यहाँ पे ये ऑफिशियल लिंक अपवर्क का शो हो रहा है, आपने इस वाले लिंक पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड्स, मैंने लिंक पे प्रेस किया तो ये देख सकते हैं अपवर्क का यहाँ पे होम पेज शो हो चुका है। इसके बाद आपने सिंपली टॉप पे आ जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अप, आपने साइन अप पे क्लिक करना है। डियर फ्रेंड्स, मैंने साइन अप पे क्लिक किया तो यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो चुकी हैं। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन पे अपवर्क का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो सिंपली आपने ऐसा करना है, प्ले स्टोर से अपवर्क की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, उसके थ्रू भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अपने मोबाइल फोन से कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, जो मैं अभी स्टेप्स करता जा रहा हूँ, इन स्टेप्स को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आप मोबाइल के थ्रू भी अपवर्क का अकाउंट क्रिएट कर सकेंगे। साइन अप पे मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो चुकी हैं। आपने इस वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है, ये लिखा हुआ है आई एम फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क, ठीक है, ये वाली ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपने अप्लाई एज फ्रीलांसर पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, जो ही आप अप्लाई एज फ्रीलांसर पे प्रेस करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से ये फॉर्म शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम देना है, जैसा कि ये देख सकते हैं मैंने फर्स्ट नेम दे दिया। इसके बाद लास्ट नेम देना है, लास्ट नेम देने के बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है जिसके थ्रू आप अपवर्क अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है। अभी ईमेल एड्रेस मैंने टाइप कर दिया, इसके बाद पासवर्ड टाइप करना है, तो सिंपली मैं पासवर्ड भी टाइप कर देता हूँ। पासवर्ड मैंने टाइप कर दिया, इसके बाद यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करना है, डिफॉल्ट पाकिस्तान सेलेक्ट है। इसके बाद आपने इस वाले ऑप्शन को चेक करना है और आपने क्रिएट माई अकाउंट पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड्स, क्रिएट अकाउंट पे मैंने प्रेस किया तो ये देख सकते हैं हमारा अपवर्क अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आगे कुछ स्टेप्स हैं, आपने उन स्टेप्स को कंप्लीट करना है, आपका प्रोफेशनल अपवर्क अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि ये देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, ठीक है भी, यहाँ पे हमारा ईमेल शो हो रहा है, जो हमने ईमेल दिया है उस पर उन्होंने वेरीफिकेशन लिंक भेजा है। सिंपली आपने अपने अपवर्क अकाउंट को सबसे पहले वेरीफाई करना है। सिंपली मैं ऐसा करता हूँ, जीमेल को ओपन कर लेता हूँ, हमें अपवर्क की तरफ से मेल आई होगी, आपने उस मेल को ओपन करना है। जैसा कि ये देख सकते हैं मुझे ये मेल आई हुई है, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, आपने इस मेल को ओपन कर लेना है। मेल को मैंने ओपन किया तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है वेरीफाई ईमेल, सिंपली आपने यहाँ पे प्रेस करना है वेरीफाई ईमेल पे। डियर फ्रेंड, जो ही आप वेरीफाई ईमेल पे प्रेस करेंगे, जैसा कि ये देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशन योर अकाउंट इज वेरीफाइड रीडायरेक्टिंग, ठीक है भाई, आपने थोड़ा सा वेट करना है, प्रोसेसिंग हो रही है, नेक्स्ट स्टेप शो हो जाएगा, आपने उसको कंप्लीट करना है। जैसा कि ये देख सकते हैं गाइस, नेक्स्ट स्टेप शो हो चुका है। इसके बाद आपने सिंपली गेट स्टार्टेड पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, मैंने गेट स्टार्टेड पे प्रेस किया तो यहाँ पे तीन ऑप्शन शो हो चुके हैं। सबसे पहले आपने इसको रीड कर लेना है, ये लिखा हुआ है आप यू क्यू क्वेश्चन फर्स्ट यू हैव फ्रीलांस्ड बिफोर, यहाँ पे ये पूछ रहा है भी क्या आप पहले फ्रीलांसर पे वर्क करते आए, यहाँ पे ये पूछ रहा है भी क्या आप पहले फ्रीलांसर पे वर्क कर रहे हैं किसी और प्लेटफॉर्म पे, तो सिंपली आपने यहाँ से यस सेलेक्ट करना है। एंड वाला ऑप्शन जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप शो हो जाएगा। यहाँ पे ये पूछ रहा है सो व्हाट्स योर बिगेस्ट गोल फॉर फ्रीलांसिंग, यहाँ पे ये पूछ रहा है भी आपका बिगेस्ट गोल मतलब सबसे बड़ा गोल क्या है, तो आपने सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ये लिखा टू मेक मनी ऑन दिस साइट, ठीक है भी, तो आपने उनको बताना है भी मैं अर्निंग करना चाहता हूँ, आपने सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे ये नेक्स्ट स्टेप शो हो चुका है, जैसा कि ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पूछ रहा है एंड हाउ वुड यू लाइक टू वर्क, ठीक है भी, तो आपने सिंपली ऐसा करना है, इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है भी। इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे जाना है, यहाँ पे ये लिखा है नेक्स्ट क्रिएट अ प्रोफाइल, आपने यहाँ पे प्रेस करना है।
डियर फ्रेंड, जो ही आप नेक्स्ट क्रिएट अ प्रोफाइल पर प्रेस करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से ये चीज हो जाएगी। यहाँ पे ये कह रहा है अभी आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करो, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन पे लिखा हो रहा है इंपोर्ट फ्रॉम लिंक्डइन। अगर आपने अपनी प्रोफाइल लिंक्डइन पे क्रिएट की हुई है तो जो ही आप इंपोर्ट फ्रॉम लिंक्डइन पे प्रेस करेंगे आपके लिंक्डइन का प्रोफाइल का डाटा सारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली पुट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है अपलोड योर रिज्यूमे। अगर आप यहाँ पे प्रेस करके अपनी सीवी अपलोड करेंगे तो सीवी पे जो आपने इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे पुट हो जाएगी। इसके बाद थर्ड नंबर है फिल आउट मैनुअली। ठीक है भाई, तो सिंपली आपने इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, थर्ड वाले ऑप्शन को। हम मैनुअली अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करने जा रहे हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं, मैं फिल आउट मैनुअली पे प्रेस किया तो यहाँ पे ये कह रहा है भी एड अ टाइटल टू टेल द वर्ल्ड दैट यू डू। ठीक है भाई, यहाँ पे आपने अपना टाइटल लिखना है, आपने मेन स्किल लिखना है, आपके पास डेटा एंट्री का स्किल है या लीड जनरेशन स्किल, जो जो आपके पास स्किल्स हो आपने उस आपने उसी स्किल का नेम यहाँ पे टाइप करना है। सपोज कि आप मेरे पास लीड जनरेशन का स्किल है, मुझे डाटा एंट्री और लीड जनरेशन आती है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे डाटा एंट्री स्लैश लीड जनरेशन लिख दिया है। इसके बाद आपने सिंपली ऐसा करना है, नेक्स्ट पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, जो भी आप नेक्स्ट पे प्रेस करेंगे यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में कह रहा है, अभी आप अपना एक्सपीरियंस ऐड करो। सिंपली आपने प्लस वाले आइकन पे प्रेस करके अपना एक्सपीरियंस ऐड कर लेना है। तो मैं प्लस वाले आइकन पे प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आपने अपने एक्सपीरियंस का टाइटल देना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ डाटा एंट्री। इसके बाद कंपनी का नेम आपने टाइप करना है, तो सपोज क्या मैं कंपनी का नाम है अल्फा कंपनी। इसके बाद लोकेशन आपने टाइप करनी है, किस लोकेशन पे आपने वर्क किया है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे पाकिस्तान टाइप कर दिया है। इसके बाद आपने सिंपली आई एम करंटली सेट करना है या आपने लास्ट और एंडिंग डेट टाइप करनी है। इसके बाद आपने अपने एक्सपीरियंस की डेट सेलेक्ट करनी है, अभी किस डेट से किस डेट तक आपने ये वर्क किया। इसके बाद आपने सेव पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, सेव पे मैंने प्रेस किया तो हमारा एक्सपीरियंस ऐड हो चुका है। इसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पे प्रेस करना है। नेक्स्ट पे प्रेस किया तो यहाँ पे ये कह रहा है भी एजुकेशन ऐड करो। सिंपली आपने इस प्लस वाले आइकन पे प्रेस करना है, यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी का नेम टाइप करना है। तो एज एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ किस तरह से एजुकेशन ऐड करते हैं। वैसे मैं आपको बाद में ये डिटेल के साथ बताऊंगा किस तरह से आप वर्क पे 100% प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं। ठीक है भाई, तो जैसा कि ये देख सकते हैं मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये दे रहा हूँ। ठीक है भाई, इसके बाद मैं सेव पे प्रेस करता हूँ। सेव पे मैंने प्रेस किया तो हमारी एजुकेशन भी ऐड हो चुकी है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, मैंने नेक्स्ट पे प्रेस किया तो यहाँ पे ये लैंग्वेज का कह रहा है, तो सिंपली ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंग्लिश हो रही है। आपने इंग्लिश का लेवल सेट करना है, आपकी इंग्लिश बोलने का लेवल कौन सा है। ठीक है भाई, इसके बाद आपने नेक्स्ट पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, मैंने नेक्स्ट पे प्रेस किया तो हमारी लैंग्वेज भी ऐड हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है भी आप अपने स्किल्स ऐड करो। सिंपली नीचे ये स्किल सजेशन शो करवा रहा है, अगर आपको ये स्किल्स अच्छे लगते हैं, आपकी प्रोफाइल से लेटेस्ट हो रहे हैं, तो आप यहाँ से स्किल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रेस करके आप स्किल भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, मैंने नेक्स्ट पे प्रेस किया तो यहाँ पे ये कह रहा है आप अपना बायो एंटर करो। तो सिंपली यहाँ पे आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, कंप्लीट आपने बायो डिटेल के साथ बताना है। ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने बायो टाइप करके नेक्स्ट पे प्रेस किया तो यहाँ पे ये लिखा है सच ऑफ सर्विस। यहाँ पे आपने प्रेस करना है, यहाँ से आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो सिंपली जो हमारी कैटेगरी बनी है वो है एडमिन सपोर्ट। ठीक है भाई, एडमिन सपोर्ट पे आपने आपने आना है, यहाँ से डाटा एंट्री सेलेक्ट करना है, मार्केट रिसर्च और वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है भाई, ये तीन ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है और आपने नेक्स्ट पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, जो आप नेक्स्ट पे प्रेस करेंगे यहाँ पे ये पूछ रहा है भी 1 घंटे के आप कितना पैसे लेंगे, क्योंकि अपवर्क पे फिक्स प्राइसेस के प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं, इसके अलावा आर्ली रेट के मतलब घंटे के हिसाब से प्रोजेक्ट भी मिलते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपने $5 टाइप करना है। मैंने $5 यहाँ पे टाइप कर दिया है। इसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, मैंने नेक्स्ट पे प्रेस किया तो ये देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल यहाँ पे शो हो चुकी है। तो सिंपली आपने ऐसा करना है, यहाँ पे आपने एड्रेस देना है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ बहावलपुर। ठीक है भाई, एड्रेस टाइप कर दिया है। इसके बाद सिटी है, सिटी में बहावलपुर टाइप कर देता हूँ, बहावलपुर टाइप कर दिया है। इसके बाद आपने अपने सिटी का जिप कोड टाइप करना है, जिप कोड टाइप कर दिया है। और इसके बाद आपने यहाँ पे दो काम करने हैं, फोन नंबर भी टाइप करना है और प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड करना है। सिंपली आपने अपलोड फोटो पे प्रेस करना है, सिलेक्ट फोटो पे प्रेस करना है, आपके कंप्यूटर की लोकेशन शो हो जाएगी, आपने अपने कंप्यूटर से प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करनी है। जैसा कि ये देख सकते हैं मैंने प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सेव पे प्रेस करता हूँ। सेव पे प्रेस किया तो हमारी प्रोफाइल पिक्चर भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। इसके बाद हम फोन नंबर एंटर करेंगे, अभी प्रोफाइल पिक्चर हमने अपलोड कर दिया है, यहाँ पे मैं अपना फोन नंबर एंटर करता हूँ। फोन नंबर मैंने टाइप कर दिया। इसके बाद आपने चेक योर प्रोफाइल पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, जो ही आप चेक योर प्रोफाइल पे प्रेस करेंगे आपके सामने आपकी अपवर्क की प्रोफाइल शो हो जाएगी। जैसा कि ये देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल शो हो चुकी है। यहाँ पे ये देख सकते हैं जो जो अभी हमने इन्फॉर्मेशन दिया है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है भाई, इसके बाद जो आपने अहम काम करना है वो ये है कि आपने अपनी प्रोफाइल को सबमिट करना है। तो सिंपली आपने सबमिट अ प्रोफाइल पे प्रेस करना है।
डियर फ्रेंड, मैंने सबमिट अ प्रोफाइल पे प्रेस किया तो हमारी प्रोफाइल अपवर्क वालों को सबमिट हो जाएगी। जैसा कि ये देख सकते हैं, हमारी प्रोफाइल सबमिट हो चुकी है और अप्रूव्ड भी हो चुकी है। यहाँ पे लिखा शर नाइस वर्क, काश योर प्रोफाइल इज रेडी। ठीक है भाई, तो सिंपली आपने यहाँ पे प्रेस करना है, लिखा शर गो टू माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड, आपने यहाँ पे प्रेस करना है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, हमारी प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है और ये देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल यहाँ पे शो भी हो रही है। ठीक है भाई, $5 पर आवर हमने यहाँ पे ऐड किया था, वो शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे हमारी डिस्क्रिप्शन भी शो हो रही है, वर्क एजुकेशन, ये सारा कुछ हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से अपनी अपवर्क की प्रोफाइल 100% कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो का आपने वेट करना है, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।